हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक आरसी हेलीकॉप्टर की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है HX-713 आरसी हेलीकॉप्टर, जो कि फर्स्ट जनरेशन का आरसी हेलीकॉप्टर है और ये 2 चैनल में आता है। तो काफ़ी कमाल का आरसी हेलीकॉप्टर है और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाता है, 350-400 रुपये के आसपास में ही आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एकदम खतरनाक आरसी हेलीकॉप्टर है। और यार इसको फ्लाई करने में ना एक अलग ही मज़ा आता है, इतना ज़्यादा मज़ा किसी आरसी हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने में नहीं आता है। और इसकी लुकिंग भी बहुत ही अच्छी है और छोटा सा क्यूट सा ये आरसी हेलीकॉप्टर है। तो फटाफट से अभी इस बॉक्स से भी मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो यार इस हेलीकॉप्टर को मैं अच्छा इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसे फ्लाई करना एक चैलेंज होता है। मतलब ये रोटेशन करता है, गोल गोल राउंड राउंड घूमना शुरू कर देता है जैसे आप फ्लाई करते हैं, और उसके बाद इसे जो कंट्रोल सीधा फ्लाई करने का जो कंट्रोल होता है ना, मतलब मज़ा आता है उसे सीधा फ्लाई करने में। तो मैं तो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लाई कर लेता हूँ, और बाकी मैं आपको फ्लाई करके दिखाऊंगा कि मैं इसे कैसा फ्लाई कर लेता हूँ। बाकी इसमें एक चार्जर मिलता है जिससे आप इस हेलीकॉप्टर को चार्ज कर सकते हैं, जो कि 3.7 वोल्ट का चार्जर है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये है इसका रिमोट, आप इसी से फ्लाई कर सकते हैं। इसमें एक अप एंड डाउन के लिए जॉयस्टिक है और दूसरी वाली लेफ्ट एंड राइट के लिए है, और बीच में ABCD चैनल बटन है, ऑन ऑफ का बटन है, और कुछ इंडिकेटर लाइट्स हैं। तो ऊपर की साइड में इसमें मतलब 2 बटन दिए गए हैं जिससे जो रोटेशन करता है गोल गोल उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाले जो बटन हैं इनसे आप इसके रोटेशन को रोक सकते हैं, सीधा फ्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब आप उस चार्जर से भी इस हेलीकॉप्टर को चार्ज कर सकते हैं, यानी रिमोट से भी इसे चार्ज कर सकते हैं और अलग से चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको रिमोट अच्छी तरीके से दिखा दिया है, फटाफट से आरसी हेलीकॉप्टर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इस हेलीकॉप्टर में कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है, लुकिंग इसकी बहुत ही बढ़िया है, और जो ये है फुल्ली प्लास्टिक का बनाया हुआ है, और इसकी जो प्लास्टिक है वो एक फ्लेक्सीबल प्लास्टिक है, यानी नॉन ब्रेकेबल, टूटती नहीं है ऊपर से गिरने के बाद भी, बस इसकी प्रॉपलर में कुछ दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो वैसे तो ये टूटने वाला आरसी हेलीकॉप्टर नहीं है और बहुत ही अच्छे से फ्लाई हो जाता है। तो देख सकते हैं लुक बहुत अच्छा है। नीचे की साइड में अगर आप आकर देखते हैं तो इसका चार्जिंग पॉइंट, इसकी इंडिकेटर लाइट, इसका ऑन ऑफ का बटन, इसका इंफ्रारेड सेंसर, सब कुछ यहीं पर लगे होते हैं। तो यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं या ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए ऑन करते ही इसकी इंडिकेटर लाइट जल जाती है। दूसरी इस आरसी हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है, आपको फुल्ली कंट्रोल रिमोट से ही करना होता है। तो फटाफट से रिमोट पे बैटरी डाल लेते हैं, इसके साथ आपको कोई बैटरी नहीं मिलेगी, आपको अलग से परचेज करके इसमें बैटरी डालनी होगी। 6 बैटरी इसमें डलती हैं, चार्जेबल या नॉन चार्जेबल जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं। एक बार डालने पर कम से कम 5-6 महीने तो इजिली चल ही जाती हैं। तो चलिए फटाफट से डाल लेते हैं इसमें बैटरी। तो देख सकते हैं आप, हमने इसमें बैटरी जो है अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर दी है। अब इसे ऑन करके देखते हैं तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से इंडिकेटर लाइट जल जाती है, और इसका मतलब है हमारा रिमोट अच्छे से काम कर रहा है और ऑन हो चुका है। तो चलिए अभी फटाफट से आरसी हेलीकॉप्टर को भी ऑन कर लेते हैं। देखिए आरसी हेलीकॉप्टर जो है वो ऑन हो चुका है। अब रिमोट को ऑन करते हैं और फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को जैसे ही ऊपर करेंगे ये जो है फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरीके से इसे फ्लाई कर सकते हैं, और सेकेंड वाली से इसका रोटेशन कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ट्रिम बटन है ऊपर की साइड में, दोनों साइड में लेफ्ट या राइट के लिए ट्रिम, उससे भी इसका रोटेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल लेके चलते हैं इसे ग्राउंड में और करते हैं इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग और देखते हैं कि कैसा फ्लाई करता है।